हाय एवरीवन, आज जो हूँ मेरा कंटेंट थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पे है, अपने लिविंग रूम का, और थोड़ा सा डेकोर करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि जितना ज़्यादा डेकोरेशन उतना ज़्यादा ध्यान और उसकी जो है सफाई। तो आप सब जानते हैं मेरे पास एक छोटी बेटी है, और अभी सोफ़े वगैरह पे जो है मैंने कुशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि इस एज में बच्चों की आदत होती है कि नीचे जो है सामान वो फेंकते रहते हैं। तो एक काम ये भी रहता है कि बस उठा के उसको जो है ऊपर रखते रहो, तो थोड़ा मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ। क्लास के सेंटर टेबल इसी वजह से हम लोगों ने पैक करके रख दिया है, और ये स्टूल एक हम एज अ सेंटर टेबल यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी लिविंग रूम में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये डोर से हम बाहर चले जाते हैं अपने अपार्टमेंट के, तो यहाँ पर जो है मैंने एक डोर रखा हुआ है, और क्योंकि मेरा घर बिल्कुल भी फर्निश्ड नहीं है, ज़रा सा भी कहीं पर भी कोई कबर्ड नहीं है। आप सब जानते हैं, न्यू व्यूअर्स को मैं बता दे रही हूँ कि बिल्कुल अनफर्निश्ड घर है ये। तो यहाँ पर जो है एक मैंने ऐसा डोर रख दिया है प्लास्टिक का, और उसमें जो है मैंने अपने हस्बैंड का सॉक्स और हैंडकरचीफ्स रखा है, क्योंकि वो यहीं पर जो है शूज़ पहनते हैं, तो उनके लिए ईजी रहेगा। अक्सर वो बाहर लाना भूल जाते हैं सॉक्स को, तो मैंने यहीं पर ही रख दिया है इस फर्स्ट डोर में। सेकंड डोर में ना मैं सारे ग्रोसरी के जितने भी बैग्स होते हैं कॉटन के, उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि हम क्या होता है कि कहीं जाने लगे तो बस फिर ढूंढना चालू हो जाता है कि कहाँ है ग्रोसरी बैग, तो इधर इजी हो जाए हमारे लिए। ये एक बैग मैं लेकर आई थी विशाल से ना, ये बैग कभी हम मॉल वगैरह जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी, अगर लोकल मार्केट गए तो उस तरह का बैग ले गए सब्ज़ी वगैरह के लिए, और ये सब जो है मॉल वगैरह अगर गए कोई सामान लेना हो तो इन तरह के बैग को जो है हम यूज़ करते हैं। और दो अम्ब्रेला भी मैं यहीं पे रख रही हूँ, रहती हूँ मैं आसाम में, आप सब जानते हैं यहाँ बारिश बहुत होती है, तो अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है यहाँ। अब नीचे वाले डोर में ना मैं इनके शूज़ की पॉलिश रख रही हूँ, और उसका ब्रश, और ये एक बॉक्स में सारे मास्क हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं इसको भी यहीं पे रख रही हूँ। ये एक बॉक्स है ना, इसमें मैं सारे अपने रिसिप्ट वगैरह रखती हूँ, जो मैं रिलायंस गई या फिर विशाल वगैरह गई तो वहाँ से जो भी रिसिप्ट मिलते हैं उनको जो है मैं इस बॉक्स में कलेक्ट कर लेती हूँ। कोई अगर सामान रिटर्न करना हुआ तो इस रिसिप्ट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लास्ट वाले डोर में ना मैं अपने पेंटिंग के जितने भी आइटम्स हैं उनको यहाँ पर रख रही हूँ। अब आते हैं अपने शूज़ रैक के ऊपर, तो ये एक फ़ाइल होल्डर या बुक होल्डर कह लीजिए, इसमें जो है जितने भी हमें क्लॉथ के साथ बैग मिल जाते हैं कॉटन के या प्लास्टिक के, तो मैं उन्हें रैप करके इसी में ही जो हूँ रख लेती हूँ, छोटे सामान को ले जाने के लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, बहुत दिन से ये सारी चीज़ें अवॉइडेड थी, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि इसको भी थोड़ा सा मुझे क्लीन करना था, तो यहाँ से मैं सारे सामान को हटा रही हूँ, और ये जो एक कॉटन का शीट मैं बिछा रही हूँ इस शूज़ रैक के ऊपर, तो ये फाइल बुक होल्डर में जो मैंने प्लास्टिक बैग वगैरह रखा है उसको मैं यहीं पे रखूँगी। ये देखिए ऐसे मैंने रख लिया है, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर रही थी कि और मैं कुछ सामान इसके ऊपर रखूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं ये इस लिविंग रूम में रखने के लिए, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसी को ही रखा है, और ये एक प्लांटर जो है सेरेमिक का, मैंने इसी को इसको भी यहीं पर रख लिया, ये मैंने ऑनलाइन लिया था। अब आते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम के तरफ, तो जो हूँ मैं ये डेकोरेटिव आइटम्स का लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी ना एक बाईसाइकिल है मेटल की, गोल्डन इसका कलर है, और इसमें जो है पीछे आप पॉट्स रख सकते हैं या कोई भी ऐसे डमी वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन प्लांट या फ्लावर पॉट वगैरह ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी तो मैंने जो है अभी न्यूली परचेज़ किया है इसको, और कॉर्नर शेल्फ जो मैंने दिखाया था वो मैंने अभी ही अपने लिविंग रूम में लगवाया है, तो उसी पे जो है मैं इसको रखूँगी। अभी मैं आगे दिखाती हूँ, ये जो है सेकेंड परचेज है मेरा, इसमें जो है मैंने फ़्लावर पॉट्स कुछ मंगवाए हैं, बहुत अच्छा लग गया था मुझे फ्लिपकार्ट पर। ये देखिए इसमें छोटे छोटे ना रोज़ेस हर कलर के जो हैं वो लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं इन पॉट्स इनके लीव्स पर, ये देखिए। और नीचे का जो इसका पॉट है ना वो सेरेमिक का है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये।
और रिजनेबल प्राइस में भी था, तो ये दो पीस मुझे बहुत अच्छी लगी और कलरफुल भी बहुत लग रहा था। और जब मैंने उस बाइसाइकिल पे रखा तो आप लोग खुद देखिएगा कि कितना प्यारा लग रहा था ये। अब आते हैं इस कॉर्नर शेल्फ की तरफ। इसको मैंने अभी ही लगवाया है थोड़े दिन पहले। अब यहाँ पे जो हूँ मैं एक फ्लावर वास रख रही हूँ, ये कप में जो है मैंने इस फ्लावर पॉट को रख लिया है, और एक ये बाइसाइकिल पे जो है मैंने दूसरा फ्लावर पॉट रख दिया है। तो लुक जो है बहुत ही प्यारा आ रहा था अभी मेरे लिविंग रूम का, जो बिल्कुल ही बोरिंग था और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था अपने लिविंग रूम में। तो थोड़ा सा ये सब करने से जो है मेरा लिविंग रूम बहुत ही प्यारा लगने लगा। इसकी जो मैं ओपनिंग कर रही हूँ ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, और ये एक वुडन वॉल हैंगिंग है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, बहुत ही कलरफुल। इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे ना, और भी सारे कलर्स थे, आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही कलर लगा। मुझे वैसे भी पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको फ्लिपकार्ट पर। और ये ना मैंने अपने एंट्री गेट की तरफ ही लगाया है, तो उससे जो है और बहुत अच्छा लगने लगा। और वाइट मेरी वॉल है तो इस पर जो है कलर, ये दोनों कलर बहुत ही अच्छा लुक दे रहे थे। और इसको जो है मैंने एक स्टिकी हुक से टांगा है, क्योंकि हर जगह ड्रिल करना पॉसिबल नहीं है, और तो इस वजह से जो है मैंने इस स्टिकी हुक को लगा कर और उसके ऊपर जो है ये हैंग कर दिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इस एरिया का भी लुक बहुत अच्छा आ रहा था। अब ये मेरे लास्ट परचेज की तरफ चलते हैं। तो ये एक वॉल स्टिकर्स है वुडन का, तो मैंने सोचा था कि ये साइज़ में काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन जब मैंने इन्हें खोल कर देखा तो मेरी उम्मीद से जो है काफ़ी इनकी साइज़ छोटी निकली। और लेकिन इनके स्टिकर्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, और जितना भी पोर्शन में मेरे वॉल पे लगे ना उसका लुक बहुत ही अच्छा दे रहे थे ये। तो ये देखिए ये मेरी लिविंग रूम की वॉल है, और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बड़े स्टिकर साइज़ में आते ना तो वो और अच्छा लगता, लेकिन अब जैसा भी था तो जितने भी पोर्शन में लगे वो उतना ही बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो है मुझे लगाना है स्टिकर्स ये सारे, तो मैं मोबाइल में बार बार इनकी डिज़ाइन देख देख के लगा रही थी, उसमें कुछ टाइम भी लगा मुझे लगाने में। और इनके स्टिकर्स ये स्टिक इतने अच्छे से हो रहे थे, मतलब डबल साइडेड टेप इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई ग्लू इसके पीछे लगा हुआ था, जिसके वजह से जो है ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गए थे। तो बहुत ध्यान रखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भी स्टिकर जो है वो गलत तरीके से लग जाए, तो फिर उसको निकालना ना वॉल से बड़ा ही मुश्किल था। तो बहुत ध्यान से जो है मैं वो मोबाइल में इसका जो प्रिंट है दिया हुआ था जिस तरह से लगाना है, मैं बार बार देख के जो हूँ लगा रही हूँ यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पे सारे मेरे स्टिकर्स लग चुके हैं, अब देख लेते हैं बिफोर और आफ्टर लुक। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया आप लोगों को और हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसको जो है लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।